बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा शांतनु खुशी खुशी राजमहल लौटे। 4 वर्षों के पश्चात एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी तट पर घूमने गए, जहां उन्होंने एक सुंदर रूपवती कन्या को देखा। वह कन्या निषाद राज की पुत्री सत्यवती थी। राजा शांतनु उसे देखते ही उस पर मोहित हो गए और उनके मन में उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रबल हो उठी। उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। राजा की बात सुनकर सत्यवती बोली, मेरे पिता मलाहों के सरदार हैं, पहले आप उनकी अनुमति ले ले। यदि वे अनुमति दे देंगे तो मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब विवाह का प्रस्ताव सत्यवती के पिता केवटराज के पास रखा, तब केवटराज ने कहा कि मेरी एक शर्त है, क्या आप मेरी शर्त मानेंगे? अगर आप मेरी शर्त मानेंगे तब मैं अपनी पुत्री का हाथ आपके हाथों में देने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न होगा। केवटराज ने कहा कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी पुत्री का पुत्र बैठेगा, क्या आपको मेरी शर्तें मंजूर हैं? केवटराज की शर्तें राजा शांतनु को मंजूर नहीं हुई। वे वहां से वापस राजमहल लौट गए। उस दिन से राजा शांतनु उदास रहने लगे। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। व्यथा मतलब दुख कष्ट समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझने देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के तट पर जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि आप अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। केवटराज ने देवव्रत से वही बात दोहराई जो बात उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। केवटराज ने कहा, अगर आपके पिता मुझे वचन नहीं देंगे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पिता के साथ कभी भी नहीं करूंगा। इस पर देवव्रत ने कहा, वे ये वचन दे ही नहीं सकते, उन्होंने तो यह वचन देने का अधिकार ही नहीं था। देवव्रत की बात सुनकर केवटराज आश्चर्यचकित होकर बोले, राजा को वचन देने का अधिकार नहीं है? देवव्रत ने केवटराज को समझाते हुए कहा, राजा को वचन देने का अधिकार है, परंतु पिताजी ने उस अधिकार का प्रयोग कर लिया है। कोई राजा एक ही वस्तु या पदवी को दो व्यक्तियों को तो नहीं दे सकता ना? आपने पिताजी के धर्म संकट को समझने का प्रयास ही नहीं किया। हस्तिनापुर का राज सिंहासन वे मुझे दे चुके हैं, वह राज सिंहासन उनके बाद मेरा होने वाला है और वे मेरे रहते हुए राज सिंहासन किसी और को दे दे, ये तो असंभव है ना? यह तो घोर अन्याय हो जाएगा। हाँ, यदि मैं चाहूँ तो वह राज सिंहासन किसी और को दे सकता हूँ, इसलिए मैं गंगापुत्र देवव्रत आपको वचन देता हूँ कि
मैं राज का लोभ नहीं करूंगा। महाराज शांतनु और माता सत्यवती का ज्येष्ठ पुत्री मेरे पिता के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा। इस वचन को सुनकर भी केवट राज संतुष्ट न हुए। उन्होंने देवव्रत से कहा कि जिस प्रकार महाराज को आपकी ओर से वचन देने का अधिकार नहीं था, उसी प्रकार आपको भी अपने वंशज की ओर से वचन देने का अधिकार नहीं है। भविष्य में यदि आपके पुत्र ने राज सिंहासन छीनने का प्रयत्न किया तब क्या होगा? तब क्या होगा? केवट राज की बातें ध्यान पूर्वक सुनने के बाद देवव्रत ने कहा, आपको आपकी ये आशंकाएं गलत नहीं है, आपकी ये आशंकाएं गलत नहीं है। केवट राज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, धरती और आकाश दसों दिशाओं को मैं साक्षी मानकर मैं गंगा पुत्र यह प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतानी ना होगी जो राजगद्दी के लिए युद्ध छेड़ेगी। अब तो आप संतुष्ट हैं। किसी को आशा न थी कि देवव्रत ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने अपने पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से कराने के लिए कठोर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पर गया। केवट राज ने खुशी खुशी अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा की। देवव्रत जब सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंपते हैं तो शांतनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं, हे पुत्र, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है जो न आज तक किसी ने की है और न भविष्य में कोई करेगा। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव विख्यात रहेगी। बच्चों, आज का पाठ हम लोग का पूरा हो गया। धन्यवाद।